आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गई और सभी मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मूर्ति कलाकार माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम स्वरूप भी दे चुके हैं और शहर में जगह जगह प्रतिमाओं की स्थापना के लिए मंडले भी सज चुकी हैं। गोरखपुर के किराना मंडी साहबगंज में इस बार स्थापित मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी, क्योंकि यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है बल्कि मसूर के दाल से बनी हुई है। वैसे इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तो काफी पहले से बनती चली आ रही हैं, लेकिन इस बार उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि किराना मंडी साहब में माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ ही कार्तिकेय और गणेश की प्रतिमा भी मसूर के दाल का प्रयोग करके बनाया गया है। इस मूर्ति को बनाने में लगभग 100 किलो मसूर की दाल का प्रयोग किया गया। चूहा, हंस, सांप और राक्षस की मूर्ति में भी मसूर के दाल का ही प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बांस, पुलाव और मिट्टी का प्रयोग भी किया गया है। मूर्ति के ऊपरी सतह पर मसूर की दाल लगने से प्रतिमा काफी आकर्षक दिख रही है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। हर साल कुछ अलग ही सोचा जाता है, कुछ व्यापार से अपने लेके सोचा जाता है, कुछ और अलग किया जाता है। एक साल हम लोग गर्निया के गणेश जी बनवाया गया, उसमें लौंग, इलायची और बाकी मसाले मेवा से मिला के गणेश जी का भी बनवाया गया। और एक साल हम लोग सिक्के का बनवाया गया, फिर रमजाने का बनवाया गया। आज से 30 साल पहले हमारे चाचा जो थे वो बनवाते थे मसूर के दाल का, मसूर के दाल के वो जो बनवाए, उसके बाद चूड़ी का बनवाए और पैसे 10 पैसे 20 पैसे का भी मूर्ति बनवाया गया दुर्गा जी का। फिर हम लोग सोचा गया कि हम लोग भी कुछ अलग किया जाए, हम लोग ले आए, बनवाया गया गणेश दुर्गा जी का। 30 साल बाद मसूर के दाल का फिर बनवाया गया।